आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटीआई का एग्ज़ाम शुरू होने के बाद भी आईटीआई का हॉल टिकट अभी तक डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं रीजन नंबर एक की तरफ। तो रीजन नंबर एक ये है कि एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर सेशनल मार्क फीडिंग और फीस अलाउ करने की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 30 जून रखी गई थी, लेकिन अभी तक सेशनल मार्क फीडिंग और फीस अलाउ एमआईएस पोर्टल पे हो रहा है। नंबर दूसरा कारण ये है कि एडमिट कार्ड को इनके नोटिफिकेशन के हिसाब से एडमिट कार्ड 2 जुलाई तक एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पे अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो आपका हॉल टिकट है, आईटीआई का हॉल टिकट है, एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर एग्ज़ाम से मात्र 3 दिन पहले अपलोड किया गया है। बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ। एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर पूरे ऑल ओवर इंडिया का लोड है। ऑल ओवर इंडिया के आईटीआई का एडमिट कार्ड एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से ही डाउनलोड किया जाना है, इसीलिए सर्वर पर लोड बढ़ने के कारण सर्वर फेल्ड मार जा रहा है, बार बार सर्वर एरर हो जा रहा है, जिससे कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अगला रीज़न यह है कि एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर एक्स स्टूडेंट के का हाल टिकट डाउनलोड करने के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं है, ये फाइनल एडमिट कार्ड के साथ ही डाउनलोड हो रहा है, जिससे कि इसको फिल्टर नहीं किया गया है, जिससे सर्वर पे और अधिक लोड बढ़ जा रहा है। इसके कारण सर्वर डाउन हो जा रहा है। इस रीज़न से भी आप अपने एमआईएस पोर्टल से एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल से एक भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हमने एनसीवीटी एमआईएस हेल्प पे भी मेल किया है, लेकिन वहाँ से 2 से 3 दिन हो गया, कोई भी रिप्लाई हमें नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप भी मेल कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनसीवीटी एमआईएस हेल्प पे मेल कीजिए कि आपको जल्द से जल्द कुछ रिप्लाई मिलेगा, या अपने सर्वर में कुछ फेर बदल करें और सबके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सके, या फिर एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल वाले स्टेट डायरेक्टर के यहाँ सारे एडमिट कार्ड को हैंडओवर करें और स्टेट डायरेक्टर सबके एनसीवीटी पोर्टल पे एडमिट कार्ड को भेज दे और वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।